गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, ऑलरेडी आप देख चुके होंगे बहुत अच्छे से कि आपके सीटेट 2022 का आगाज़ हो चुका है, जो कि आपके बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो काम की चीज़ है इस बार, वेरी वेरी स्पेशल थिंग इज देयर के सीटेट 2022 में कैसे मिलेगा आपको आपकी पसंद का परीक्षा केंद्र। सबसे बड़ा क्वेश्चन पीईटी के बाद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको आपका फेवरेट परीक्षा केंद्र कैसे मिलेगा। पहले पूरे नोटिफिकेशन पर एक नजर डालते हैं, जरा लेट्स चेक इट। सो सबसे पहली बात यह है कि यह है आपका सीटेट का नोटिफिकेशन। वो कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये 2010-2022 मतलब आज ही की डेट में यह आया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 16वें संस्करण में संस्करण की परीक्षा सीबीटी, मतलब आपका जो एग्जाम है वो एक बार फिर से जैसे पहला हुआ था, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन मोड, जो कि दिसंबर 2022 में होगा और जनवरी 2023 के बीच में, मतलब दिसंबर के लास्ट वीक समझ लीजिए आप और जनवरी में, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, लगभग पूरा टाइमिंग वही है। ठीक है, उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी, मतलब जो भी डेट है आपकी सीटेट की वो आपको तभी मिलेगी। अभी वो क्या कहना चाह रहे हैं, विस्तृत सूचना बुलेटिन जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा पात्रता मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा सहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in शीघ्र ही उपलब्ध होगा। ठीक है, मतलब कि बाकी डेटा वो उपलब्ध कराएंगे, बट नोटिफिकेशन में अभी तक की क्या चीज क्लियर है। ठीक है, बात चल रही है उनसे कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है, जो ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। कब से होगा भाई, वो है आपका 31st of October। ठीक है, 31st of October से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और कब तक कर सकते हैं, मंडे 31st of October से लेकर 24/11/22 तक कर सकते हैं, मतलब कि 24th of November तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं रात के 11:59 ठीक है 59 मिनट तक, 11:59 तक कर सकते हैं। जैसे कि अब क्या बात चल रही है, जिसका जो भुगतान है वो 25/11 तक होगा, मतलब 25 नवंबर तक हो सकता है। आगे जरा सुनिएगा, बात चल रही है कि जो जनरल वाले हैं और जो ओबीसी वाले हैं, उनका एक पेपर का जो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, उसके लिए जो उनको पे करना होगा वो पे करना होगा 1000। अगर वो दोनों पे करते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जनरल और ओबीसी वालों को 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपीज आपको देने होंगे दोनों पेपर के, जहां की एससी एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप या विकलांग श्रेणी में आते हैं उन व्यक्तियों को पेपर, अगर कोई एक पेपर देना है तो 500 रुपीज और दोनों पेपर देने हैं तो ठीक इसके आधे 600 रुपीज पे करने होंगे। वन मोर थिंग इज देयर, इस बार एक चीज और बड़ी खास है, अगर बन चांस आपका फेवरेट सेंटर आपको नहीं मिलता, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंज हैं। क्या चेंज हैं देखिएगा, लेट्स सी। वो कह रहे हैं उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन करते या भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। मतलब आप फॉर्म जितनी जल्दी डालेंगे, पहले दिन ही आप फॉर्म डाल लें, आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर पहले दिन ही मिल जाएगा। जितनी जल्दी आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, उतनी जल्दी आपकी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर डालेंगे वो आपको मिल ही जाएगा। जैसे मुरादाबाद वाले मुरादाबाद डालेंगे, बरेली वाले बरेली, आप जहां भी चाहते हैं वहां डाल दीजिएगा, आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाना है। जितने आप लेट डालेंगे उतना आपको दूसरी जगह भागना होगा, आपको दूर जाना होगा। और एक खास बात क्या है, जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान करें कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। मतलब आप पहले आएंगे तो वैसे ही आपको पहले वो सिटी मिल जाएगी। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, मतलब कितनी स्ट्रेंथ किस सिटी में है वो भी आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोई जरूरी नहीं है कि आप साइबर कैफे वाले भैया के ऊपर ही डिपेंड रहें। ठीक है, कोशिश खुद भी ट्राई करें इस फॉर्म को ठीक से भरने की। और एक विशेष बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, सीटेट का फॉर्म कोई भी भरे, इंग्लिश के लिए सबसे स्पेशल न्यूज ये है कि इंग्लिश में आप कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, आप फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं डाल सकते। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज सभी पूरे यूपी वालों की मैक्सिमम हिंदी ही होती है। ओके,
आप जो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे संस्कृत या इंग्लिश में से ऑप्शन, वो होगा आपका सेकंड लैंग्वेज। ओके, सेकंड लैंग्वेज मतलब जो आपके क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू होके 150 तक चलती है। ठीक, फर्स्ट लैंग्वेज आप सभी की हिंदी होगी, आप उसमें कोई ऐसा नहीं करेंगे, जो सेकंड लैंग्वेज होगी उसमें आप फिल करेंगे। ठीक है, गलती से फर्स्ट लैंग्वेज में इंग्लिश फिल ना करें, ठीक है, नहीं तो आपको पूरी पोएट्री पढ़नी पड़ जाएगी, पूरी पोएट्री पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सेकंड लैंग्वेज फिल करते हैं तो आप पोएट्री जैसे सेक्शन से, आप दो तरह के पैराग्राफ से बच जाएंगे, सिंगल टाइप ऑफ प्रोज का आपको पैराग्राफ मिलेगा, कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, कोई इतना जरूरी नहीं है कि आपको इतना सब कुछ पढ़ना पड़े। आपको अगर आप सेकंड लैंग्वेज डालते हैं तो आपका सिलेबस थोड़ा कम हो जाता है, ये आपका एक एडवांटेज है। ओके, आपको पेडागॉजी मिलेगी, आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगी, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब इससे आगे की बात क्या है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अपडेट होने के दौरान यदि परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है, मतलब उसी टाइम आपकी सीट फुल हो गई, तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने या भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। चाहे तो आप अपना रद्द कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई उसे रद्द करता है, मान लीजिएगा आपका मन नहीं है, आप ना करने चाह रहे हो उसको, तो अगर आप उसे रद्द करते हो, ठीक है, तो उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सिटी दूर भी पड़ेगी तो आप जाएंगे ही, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ठीक, क्योंकि सभी का सेंटर इतनी दूर नहीं जा रहा है, जो दूर डालेगा, जो लास्ट के बचे होंगे, कम लोगों का सेंटर दूर जाएगा, लगभग लगभग सभी का सेंटर आप जो डालेंगे वही मिल जाएगा। ओके, अगला है आपका सीटेट की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ओके, ऐसा पहले भी नहीं हुआ है, पहले भी आप कभी चाहें फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर का बदलाव, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि यदि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो परीक्षा केंद्र आवेदन तो उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण करें निदेशक। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के निदेशक ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने है। तो आपका जैसे फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, कब शुरू हो रहा है भाई ये फॉर्म, आपके शुरू हो रहे हैं 31st of October, मतलब 31 अक्टूबर को ये फॉर्म शुरू होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है 31st of October को नहीं तो 30, मतलब एक तरीके 32nd नहीं होती है, ठीक है, 1st of November को आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। बात समझ में आ रही है? ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन फॉर्म भरने से पहले एक बात, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि लैंग्वेज का सिलेक्शन सब काफी लोग गलत करते हैं। आप इंग्लिश जो सेलेक्ट करते हैं वो कभी भी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी फर्स्ट नहीं हो, वो आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, वो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका सेकंड लैंग्वेज का है, फर्स्ट लैंग्वेज का नहीं है। फर्स्ट का आप लोगों का हिंदी का है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपसे हिंदी नहीं आती है एट एनी केस, तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों में इंग्लिश फिल करना चाहते हैं, यस यू कैन, आप दोनों में इंग्लिश कर सकते हैं। बट जितने भी लोग यूपी के रहने वाले हैं, मैक्सिमम आपका स्टेटस यही है कि आप फर्स्ट को हिंदी मान के चलिएगा, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज को, और सेकंड में आपके पास ऑप्शन है उर्दू, इंग्लिश या संस्कृत। लेकिन फर्स्ट में आप, फर्स्ट लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट ना करें, वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, फर्स्ट की इंग्लिश में पोएट्री के भी पैराग्राफ्स आते हैं और प्रोज के भी आते हैं, पेडागॉजी भी आती है, ग्रामर भी आती है, कॉम्प्रिहेंशन के सारे स्टेज आती हैं आपकी, तो वो आपके लिए ज्यादा टफ हो जाएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, इतनी जानकारी के लिए, अटेंटिव रहने के लिए थैंक यू सो मच। जाते जाते एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मैं आपकी क्लासेस के साथ एक बार फिर से अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।